बता दें कि दिल्ली को लेकर जो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो ये कि दिन प्रतिदिन का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित राज्यों की तरह नहीं है। एक एक करके जो टिप्पणी जो पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष दिल्ली पर क्या फैसला आया है? ये देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़ करके सेवाओं पर जो विधायी शक्ति है, यानी कि जो दिल्ली सरकार है वो फैसले ले सकती है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि दिल्ली जो है और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे बिल्कुल अलग है, ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। यानी कि जो एलजी की जो शक्तियां हैं सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार के पास से आती थी, और नौकरशाहों का जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग थी वो एलजी ही करते थे। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली सरकार की सिफारिश पर ही इस मामले में जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी वो आगे की कार्रवाई होगी, यानी कि विधायी शक्ति के तौर पर चलेगा, चूंकि चुनी हुई सरकार दिल्ली में है। ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। लगातार 2015 से इस मामले पर दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है। सिर्फ जो एक्सेप्टेड इंट्रीज हैं, जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, उसमें जो लोग सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें सर्विसेज जो हैं वो भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी छोड़ करके पूरी की पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। एलजी को जो चुनी हुई सरकार है उसके एडवाइस, एड एंड एडवाइस पे जाना है। एलजी का कोई इंडिपेंडेंट पावर इस रिस्पेक्ट में नहीं है। और जो भी हमने बहस की थी दिल्ली सरकार, जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से, वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट की पांचों जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। शादान फरासत। तो देखिए, बहुत हद तक क्लैरिटी होती हुई नजर आ रही है पीयूष। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के मामलों से जुड़ी फाइल जो है उसके अलावा और कोई फाइल रोकी नहीं जा सकती एलजी दफ्तर में। जी बिल्कुल समीर, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कह दिया है कि जो दिल्ली में सरकार चुनी हुई बनी हुई है जी, वो अलग स्थितियां हैं, जबकि जो और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां स्थितियां अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है सीधे तौर पर सेवाओं को लेकर के दिल्ली सरकार के मामले में, और दिल्ली सरकार को नीतियां लागू करनी रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सेवाएं हैं उन पर जो विधायी शक्तियां होंगी वो दिल्ली सरकार की लागू होंगी। यानी कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का मसला है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया है कि जितने भी दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले नौकरशाह हों या उससे इतर अधिकारी हों, उन सभी की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है, जो सिफारिश होगी, वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से की जाएगी, और उस पर दिल्ली सरकार की जो विधायी शक्तियां होंगी वो लागू होंगी। यानी कि जो अब तक का हस्तक्षेप था एलजी का सीधे तौर पर, वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं होगा। यही वजह है पीयूष की दिल्ली सरकार की सिफारिश होगी। सरकार है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त ये ट्वीट कर रहे हैं, सत्यमेव जयते।